नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं परेश, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि आप ब्लॉगर हैं तो आपको पता ही होगा कि गूगल सर्च कंसोल में आपको अपनी वेबसाइट की लिंक या URL सबमिट करना होता है, जिससे आपको गूगल में जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट का कंटेंट सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट का URL उसको मिलता है, मतलब उससे ट्रैफिक आती है। तो वैसे ही बिंग जो है याहू का प्रोडक्ट है। जब आप बिंग में अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, जैसे गूगल सर्च कंसोल में करते हो, तो याहू के थ्रू आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलती है। मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अपनी वेबसाइट को बिंग वेब मास्टर टूल में कैसे सबमिट करना है, और मैं बिंग से लेता हूँ सब कुछ, मैं अपना ट्रैफिक भी बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और पहली बार मेरी चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू। चलते हैं जल्दी जल्दी, फटाफट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कि आप, पहले तो मैं आपको ले जाता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। जैसे कि मेरी वेबसाइट है indnaukri.com, ठीक है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको ले जाता हूँ पहले। सबसे पहले तो मेरी वेबसाइट को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। ये वेबसाइट का एड भी चालू है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ऐसा हो तो आप आगे करके देख सकते हो, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि इसमें, जैसे आपके पास यदि योस्ट प्लगइन आपने डाला हो, योस्ट SEO प्लगइन, तो इसमें क्लिक करके जनरल में जाना है। जनरल में क्लिक करके वेब मास्टर टूल में जाना है, और इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। एक तो बायडू वेरिफिकेशन कोड जो चाइना का होता है, बिंग याहू के लिए होता है, गूगल के लिए होता है, गूगल वेब मास्टर टूल इससे होता है, और वेडन ये भी पता नहीं कहाँ से, मैंने इसको भी सबमिट किया हुआ है, इसका मैं बाद में बता दूंगा आपको। आज मैं बिंग में कैसे वेरिफिकेशन करना है, प्लस इससे मैं कैसे ट्रैफिक लेता हूँ, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इसमें क्लिक कीजिए आप। वेरिफिकेशन आपने कर दिया होगा, नहीं किया हो तो सिंपल है, जैसे गूगल सर्च कंसोल को करते हैं वैसे ही करने का होता है, ठीक है। तो इसमें मैं जाता हूँ अभी बिंग वेब मास्टर टूल में के डैशबोर्ड पे। तो ये मैं आपको कंप्लीट आपको डिटेल में बता देता हूँ कि मैं इससे कितना लेता हूँ। देखिए, ये बिंग का है, जैसे गूगल सर्च कंसोल का है वैसे ही ये बिंग का भी है। बिंग से मैं पर डे का ट्रैफिक कितना आता है देख लो। बिंग वाला मतलब जो भी यूजर याहू में सर्च करते वो यूजर इसमें दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबमिट करने से आपको ये होगा कि इससे भी ट्रैफिक, आपको याहू से भी ट्रैफिक मिलेगी, नॉट फॉर जस्ट गूगल, याहू से भी आपको ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, जैसे गूगल सर्च कंसोल को आप वेरिफिकेशन करते हैं वैसे इसको भी सबमिट करके वेरिफिकेशन करना है। इसमें साइट मैप डालना है जैसे गूगल सर्च कंसोल में डालते हैं वैसे, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी चीज, इसमें अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले तक 5 URL पर डे का आप सबमिट कर सकते थे, लेकिन अब बिंग ने ऐसा कर दिया है 10,000 URL तक का आप डाल सकते हो इसमें, और वो भी एक साथ। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि इसमें 10,000 का URL एक साथ अपनी वेबसाइट में लगभग 150-200 URL होते हैं, 5-5 करके कितने दिनों तक आप डालते रहोगे। इससे अच्छा ये वाला एक ऑप्शन अच्छा मिला है मुझे, इससे आप 10,000 तक का URL पर डे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें कैसे सबमिट करता हूँ 10,000 तक का URL, मेरे साइट मैप से मैं पहले तो अपने URL कॉपी करूँगा, और सब कुछ एक साथ एक झटके में सब कुछ सबमिट हो जाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे साइट मैप ओपन करता हूँ, पहले तो मेरे ये वेबसाइट का साइट मैप ओपन करने के लिए आपको जस्ट वेबसाइट का नाम sitemap.xml लिखना होगा। तो इससे साइट मैप, जितना भी मेरी वेबसाइट में जितने भी URL
वो सबका साइड मैप मिल जाएगा। तो पोस्ट वाला यूआरएल का मैं साइड मैप पहले ही आपको सबमिट करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये पोस्ट वाले यूआरएल है, इसको जस्ट आपको कॉपी करना है। मतलब कितने यूआरएल है इसमें, 400 से ऊपर है, ये सब कुछ मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। इसको जस्ट आपको कॉपी करना है, कॉपी करके ओपन करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो इसमें काफी टाइम लगता है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, आप आगे बढ़ा के देख सकते हो, लेकिन पूरा देखोगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये यूआरएल को आपको ऐसे ही कॉपी करना है। इसमें पेस्ट करने के बाद जस्ट यहाँ तक रखना है आपको, और ये जस्ट आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। मैंने इसको वर्ड में इसलिए पेस्ट किया क्योंकि ये साइड वाला आपको नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए जस्ट आपको फिर से इसमें जाना है बिंग वाले में, और इसमें सबमिट यूआरएल में जाके पूरे के पूरे, मतलब 480 जो यूआरएल है पूरे के पूरे एक झटके में आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया 402 यूआरएल पूरे के पूरे सबमिट। ठीक है, देख सकते हो ना आप। अब ऐसे ही करके आपको सेकंड वाला यूआरएल, मतलब ये पोस्ट वाला है, अरे यार लोचा हो गया है। हाँ, पेज वाले यूआरएल भी आपको उसमें डाल देना है। ये पेज वाले यूआरएल केवल इतना ही है, केवल इतना ही पेज है मेरी वेबसाइट में। इसको भी आपको इसमें जाके जस्ट कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देना है। तो ये सब आ गया, इसको यहाँ से इसे कॉपी करना है। पहला वाला रूप रह गया है, यहाँ तक का कॉपी करके आपको जस्ट बिंग के उसमें जाना है और जस्ट सबमिट यूआरएल यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देना है। जस्ट हो गया। ऐसे करके आपको सब कुछ, मतलब जितने भी आपके यूआरएल है वो सब कुछ आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों, इससे मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिली हुई है, काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे में मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक आता है बिंग से। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और करना ही चाहिए यदि आपकी वेबसाइट है, ये फ्री का टूल है। इससे मतलब जैसे गूगल से ट्रैफिक आता है आपको, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये हटा देना पड़ेगा। जैसे ही गूगल से आपको ट्रैफिक आता है वैसे ही बिंग से भी आता है, याहू से भी। ठीक है, तो मैं आज आपको यही बताने वाला था कि जैसे आप गूगल सर्च कंसोल में आप सबमिट करते हो वैसे इसमें भी सबमिट कीजिए और अनलिमिटेड ट्रैफिक लीजिए। जैसे मैं होम में जाकर बता देता हूँ, ये देखिए मेरी वेबसाइट में कितना ट्रैफिक है, मतलब ये गूगल सर्च कंसोल जैसे ही है। टोटल इम्प्रेशन, एवरेज सीटीआर, एवरेज पोजीशन कितनी है, ये सब देख सकते हो। हाई, ये सब कुछ आप देख सकते हो, जैसे उसमें है वैसा ही इसमें भी है। ठीक है, व्यू कंप्लीट रिपोर्ट आप ओपन करके देख सकते हो कि कौन कौन सी, मतलब कौन कौन से कीवर्ड पे मेरा ये रैंक किया हुआ है। देखो, सातवीं पोजीशन में ये बुलबुल मूवी, हाउसफुलफुल मूवी, ये सब मूवी रैंक की हुई है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ट्रैफिक मिलता है, पेजेस कौन सा है, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप भी ट्राई कीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।